अरे ये क्या मैडम, मैडम ने मुझे आज दरवाजा खोलने के लिए भी नहीं बोला। अरे ये क्या, मेरे पैसे कहाँ गए? अरे मैडम। हाँ गार्ड भैया बोलो। 2 मिनट इधर आना। अरे वो मैडम, मेरी जेब में ना कुछ पैसे रखे हुए थे, अब वो मुझे मिल रहे नहीं है। अरे भैया, अब यहाँ की चौकीदारी तो आप ही कर रहे हो, और मुझे क्या पता आपके पैसे कहाँ चले गए। अरे नहीं मैम साहब, मैं तो सुबह से यहीं पे बैठा हुआ हूँ और मैं तो कहीं गया भी नहीं हूँ, तो वो पैसे यहाँ से कहाँ जा सकते हैं और अब वो मुझे मिल रहे नहीं है। अरे भैया, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो बार बार, आपके पैसे चोरी हुए तो मुझे क्या पता। अरे वो मैम साहब, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, कहीं आपको वो पैसे मिल गए हो और आपने अपने पास रख लिए हो। तू 2 कौड़ी का चौकीदार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की, तुझे पता भी है तो किससे बात कर रहा है। अरे वो मैम साहब, वो पैसे ना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता मेरे को वो पैसे गांव में भेजने हैं विमला के पास। मेरे बच्चे की ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और वो है हॉस्पिटल में ना भर्ती है, और आपको पता है मैम साहब, जितनी सैलरी मेरे को यहाँ पे मिलती है ना, उससे तो मेरा खर्चा ही नहीं चलता, मैं तो कैसे कैसे दिन काटता हूँ वो मुझे ही पता है। इसीलिए मेरे को ना मालिक से एडवांस पैसे लिए थे कुछ, ताकि मैं ये पैसे विमला को भेज सकूं। अरे तू हमारे यहीं चौकीदारी कर रहा है, मेरे भाई ने तुझे नौकरी पे रख रखा है, भला मैं तेरे पैसे क्यों चुराऊंगी भाई। मैडम जब आप सुबह साहब से पैसे मांग रही थी ना, तो मैं भी वहीं पे खड़ा था और साहब ने आपको पैसे नहीं दिए थे, और मैंने सोचा कि वो पैसे आपने ही मेरे जेब में से निकाल लिए हो। अरे मेरे भाई ने अगर मुझे पैसे देने से मना कर दिया तो इसका मतलब क्या है, मैं तेरे जैसे कंगाल के पैसे चुराऊंगी। मैडम आप अगर बुरा ना माने तो क्या मैं आपकी तलाशी ले सकता हूँ। अच्छा तो तू तलाशी लेगा मेरी, अब देख मैं तुझे कैसे नौकरी से निकलवाती हूँ। साहिल एक बार बाहर आ नजर। अरे मैम साहब, आप साहब को क्यों बुला रहे हो, और मैं ना आपके ऊपर कोई चोरी का नाम नहीं लगा रहा, आप एक काम कीजिए, आप जाइए जाइए आप। तुझे तो मैं ना ऐसे छोड़ूंगी नहीं अब। साहिल एक बार जल्दी बाहर आओ ना। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, यार ये तो साहब को बुला रहे हैं, अगर साहब को पता लग गया कि मैं इनके बहन के ऊपर चोरी का इंजाम लगा रहा हूँ तो वो तो मेरे को जॉब से निकाल देंगे। हाँ दी बोलो, आपने मुझे बुलाया क्यों। साहिल ये मेरे ऊपर चोरी का नाम लगा रहा है, इसकी हिम्मत तो देखो, अब ये भी मेरी तलाशी लेगा। अच्छा क्यों बे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बड़ी बहन पे चोरी का इल्जाम लगाने की। अरे नहीं नहीं साहब, मैं मैम साहब पे चोरी का इल्जाम थोड़ी ना लगा रहा हूँ, वो जो आपने मेरे को सुबह पैसे दिए थे ना गाँव भिजवाने के लिए, वो पैसे ना मेरे जेब में से किसी ने निकाल लिए, और देखो मैं सुबह से यहाँ पे ड्यूटी पे ही था, मैं तो कहीं गया भी नहीं हूँ, और वो पैसे चोरी हो गए। मैं तो बस मैडम से पूछ रहा था। क्या वो पैसे चोरी हो गए, मैंने तेरे को सुबह ही कहा था ना जल्दी से जाके वो पैसे बैंक में डलवा दे, फिर तू यहाँ पे सिक्योरिटी का काम क्यों कर रहा था। अरे वो साहब मैं इसलिए नहीं गया बैंक में पैसे डलवाने, क्योंकि यहाँ पे कोई और गार्ड था ही नहीं, और मैं सोचा कि अगर मैं यहाँ से जब चला जाऊँगा तो यहाँ पे देख रेख कौन करेगा, और क्या पता कोई सामान चोरी हो जाए, इसीलिए मैं नहीं गया, मैं सोचा कि सामने ही जाके पैसे बैंक में डलवा दूंगा। तो क्या साहिल ये मेरे ऊपर चोरी का नाम लगाएगा। देख भाई मैं अपनी बहन को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो कभी ना चोरी नहीं कर सकती, और क्या पता वो पैसे तेरे से गिर गए हो कहीं। देखिए साहब इन गार्ड भैया के पैसे कहीं नहीं गिरे, ये आपकी बहन ने ही चुराए हैं पैसे। अरे अरे नहीं साहिल, कौन है ये, मैंने सच में कोई पैसे नहीं चुराए हैं, झूठ बोल रहा है ये। देख ये क्या बोल रहा है तू, बहन तो मना कर रही है इसने पैसे नहीं चोरी करे, पर तू इस पे इल्जाम क्यों लगा रहा है झूठा झूठा। देखिए मैम साहब झूठ मत बोलिए, मैंने खुद देखा अपनी नजरों से कि इन भाई साहब के पैसे आपने ही चुराए हैं और अपनी चुन्नी में रख रखे हैं। दीदी मुझे कुछ नहीं सुनना, इस गरीब के पैसे ना आप जल्दी निकाल के दीजिए। देखा साहब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और मुझे यकीन था कि मैडम ने ही पैसे चोरी करे हैं, जब भी मैंने मैडम से पूछा और मैडम ने मुझे थप्पड़ भी मार दिया सिर्फ पूछने की वजह से, और साहब मैं ना कभी भी आपसे दगाबाजी नहीं करूँगा, मैं हमेशा आपका वफादारी रहूँगा। ये क्या दीदी, अगर मैं आपको पैसे नहीं दूंगा आप किसी के भी पैसे चोरी कर लोगे। अरे ये तो अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे लेके गया था मेरे से, और आपने इसके भी पैसे चोरी कर लिए। अरे साहिल मैं तुझे कितने दिन से कह रखा है कि मार्केट में नया आईफोन आया है, पर तू तेरे पास टाइम ही नहीं है, हमेशा जॉब नौकरी इसी में बिजी रहता है, घर के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ तेरे ऊपर ही हैं,
अब तू ही बता, अगर मैं तुझसे पैसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? ठीक है तू छोटा है, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी अभी जॉब नहीं है। तो तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मुझे जो ठीक लगा मैंने कर लिया। साहब गलती तो अपनों से ही होती है ना, माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ भाई तुमने बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दीदी अगर आज के बाद आपने चोरी करा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और भाई साहब ले लो अपने पैसे और जल्दी से जाके ना अपने बच्चे का इलाज करो। साहब आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया, अगर ये पैसे मेरे को नहीं मिलते ना तो ना जाने आज क्या हो जाता। धन्यवाद साहब। और मैं ना अपनी बहन की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और दीदी जाइए आप भी यहाँ से। सॉरी साहिल, मुझे ये सब नहीं पता था कि उस गार्ड भैया के साथ सच में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती, और मैं आगे से कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस यू।